हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये जो स्पीकर बॉक्स है ये मेरे अकेले के नहीं हैं, आप सब लोग के भी हैं। तो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में मुझे कुछ सजेशंस दिए थे। जैसे कि पहला सजेशन ये था कि ये जो वूफर का मैंने सील्ड बॉक्स बनाया था उसका वॉल्यूम काफ़ी कम है, और जो मिड रेंज ट्विटर के लिए बॉक्स मैंने ऊपर बनाया था वो अननेसेसरी ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट किया है अपने वूफर के लिए। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया है, एक ये प्लेट बनाई है अलग से, और इस प्लेट का मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लगाने वाला हूँ। इसको मैं लगाऊंगा इसके अंदर, इससे क्या होगा कि ये पार्टीशन हो जाएगा, हमारा मिड रेंज जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, और वूफर के लिए ये वाला पोर्शन हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए मैं इसमें यहाँ पर एक इस वाली प्लेट में होल भी कर दूंगा और साइड वाली पोर्शन को मैं इसमें अटैच करके सील्ड कर दूंगा। तो होगा क्या कि ये जो वूफर के लिए वॉल्यूम है ये भी रहेगा, और यहाँ से हवा आएगी होल जो मैं बनाने वाला हूँ उससे, और ये वाला चैम्बर भी इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे करके मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला हूँ। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी ये जो नीचे वाली प्लेट है इसमें होल करना बाकी है, जिससे कि नीचे वाली एयर ऊपर वाले चैम्बर में चले जाए। और साथ ही एक एडवाइस मुझे और भी दी गई थी कि जो ट्विटर है हमारा, इस ट्विटर को हमारे को बैक साइड से नहीं लगाना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपने इस ट्विटर को मैं आगे इस वाले पोर्शन पे लगाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ट्विटर को लगा दूंगा। तो जो सजेशन आपने दिया था कि ट्विटर को पीछे से नहीं लगाना चाहिए, वो भी मैं कर दूंगा। साथ में हमारे मिड रेंज के लिए ये जो चैम्बर बनेगा, इस चैम्बर से जो एयर पास होगी वो यहाँ से हो जाएगी और काफ़ी रहेगी। मिड रेंज में इतनी बास नहीं रहती, वाइब्रेशंस नहीं रहती, एयर पास होने के लिए होल काफ़ी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक सजेशन और दिया था आप लोगों ने कि जो पॉलीफिल लगाते हैं वो ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। तो मैं इसमें अब नेक्स्ट साउंड टेस्ट आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ, जो उसमें पॉलीफिल की एक काफ़ी पतली लेयर लगाऊंगा, सिर्फ वॉल पे ही लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। एयर पाइप में इसमें से निकाल दूंगा क्योंकि एयर पाइप की जरूरत नहीं है, सील्ड बॉक्स में बनाने वाला हूँ। ये वाला जो एयर पाइप है इसको मैंने निकाल दिया है, उसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जगह मैं ट्विटर लगाने वाला हूँ, और जो ट्विटर का होल था उसको एज ए एयर पाइप यूज़ करेंगे हम मिड रेंज के लिए। तो मिड रेंज के लिए आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा काफ़ी जगह है, पर्याप्त है, इसमें इतनी वाइब्रेशन होती नहीं है, 30 वाट का ही है ये। साथ ही मैं जो पॉलीफिल के लिए बताया गया था मुझे कि पॉलीफिल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे ग्लास वूल यूज़ करनी चाहिए, फाइबर ग्लास वूल, मैं उसकी भी तलाश कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे फाइबर ग्लास वूल मिलेगी तो मैं फाइबर ग्लास वूल के साथ ही साउंड टेस्ट करके दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। इसके अलावा और कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते थे दे सकते हैं, मुझे शायद एक या दो दिन और लगेगा इसको प्रॉपर कटिंग करके असेंबल करके साउंड टेस्ट करने के लिए। मुझे जो जहाँ पर ट्विटर का लगाने वाला हूँ उसमें भी थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ट्विटर का होल जो है बिल्कुल राउंड नहीं है, ट्विटर के लिए ये पोर्शन निकला हुआ है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हुआ ये वाला। तो इसमें मेरे को ये होल भी बनाने पड़ेंगे ट्विटर को फिक्स करने के लिए उसमें। थैंक यू दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ अगर यदि इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए तो। हालांकि इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होंगे, साउंड टेस्ट के बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा इसमें रेस्पॉन्स होता है वूफर के लिए वॉल्यूम बढ़ाने के बाद। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं जल्द ही अपने इस नए डिज़ाइन के साथ साउंड टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा,
ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अपनी सलाह देते रहिए।